चैनल सच का साथ। इस वक्त की खबर मेरठ उत्तर प्रदेश से आ रही है, जहां पर लॉकडाउन की मार के साथ गरीब मजदूर को पड़ी कुदरत की। थाना लिसाड़ी गेट क्षेत्र के गोल्डन ईदगाह कॉलोनी में तेज आंधी तूफान के चलते मकान की छत भरभरा कर गिर गई, जिसमें एक परिवार के दो लोग घायल हो गए। जानकारी के अनुसार समर गार्डन कॉलोनी के पास ईदगाह कॉलोनी में सरताज पुत्र इस्लामुद्दीन का कच्चा मकान है। आज सुबह करीब 12 बजे तेज तूफानी आंधी के दौरान अपनी पत्नी, 7 वर्षीय बेटे आयाम, 3 वर्षीय बेटी मुस्कान के साथ अपने घर के अंदर थे। अचानक आंधी आने पर उनके पड़ोस में रहने वाले शोहेब पुत्र इस्लाम के घर की दीवार उनके मकान की छत पर गिर पड़ी, जिससे छत भरभरा कर गिर पड़ी। इस अचानक छत गिरने से सरताज ने अपनी पत्नी और बेटी को तो निकाल दिया, जिससे मामूली चोटें आई हैं, लेकिन सरताज और उसके 7 वर्षीय बेटा घायल हो गया, जिनको मोहल्ले के लोगों ने मिलकर बाहर निकाला। अच्छा, आज क्या घटना हुई है, थोड़ा इसके बारे में बता दीजिए। जिस वक्त आंधी आ रही थी, मैंने सारे बच्चों को लिटा दिया, हम सब लेटे हुए थे और अल्लाह से दुआ कर रहे थे कि आंधी आ रही है इसके लिए ही। और बस अचानक से ही मैंने दुपट्टा डाल दिया था, रेता सहारा था दरवाजा बंद में भी, तो ये दुपट्टा मैंने इनके ऊपर डाल दिया था ताकि रेता आंखों में न जाए, और अचानक से ही बस ऊपर से छत गिरने लगी, सब दब गए थे बिल्कुल। क्या लोग थे उस समय घर में जिस समय यह हादसा हुआ? हम पाँचे थे, तीनों बच्चे और हम दोनों। चोट किन किन के लगी है? सारों की लगी है। इनका नाम क्या, आपके हस्बैंड का? इनका नाम मोहम्मद सरताज है। इनके कितनी चोट आई है? सिर फट गया और सीने में भी और कमर में भी, हाथों में भी। अच्छा, किसी ने कुछ आपकी सहायता करी है, किसी ने कोई? ठीक है। बस हम जैसे हुई ऊपर से छत गिर रही थी, बिल्कुल दब गए थे, अपना हौसला बना के जल्दी जल्दी से गर्मा गर्मी में ईंटों को हटा रहे थे। बड़े वाले लड़के को खड़ा कर दिया था, इतने दरवाजा बजने लगा और दरवाजा हिला हिला के वो खुल गया, हम बच्चों को ही निकाल रहे थे। फिर उन्होंने पड़ोसी, नहीं पता नहीं कौन कौन होंगे, अपना इतना होश नहीं था, सबने निकाला।